हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पार प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 10 चर्चित निधन, प्रसिद्ध लोगों के जिन लोगों के निधन हुए उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मित्रों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 4 मार्च 2022 को शेन वार्न का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेटर या खिलाड़ी थे? मित्रों, क्रिकेटर खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है और राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मित्रों, ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे। अब इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे। और जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉइंट नंबर 2 है मित्रों, 4 मार्च 2022 को रोडनी मार्श का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी थे? 4 मार्च 2022 को रोडनी मार्श का निधन हो गया, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के ये भी खिलाड़ी थे और इनका भी 4 मार्च के दिन निधन हो गया। अब इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, फरवरी 2022 में लता मंगेशकर का निधन हो गया, वह कौन थी? लता मंगेशकर का निधन हो गया, सर कोकिला, जिनको सर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, इनको निधन हो गया है। और कब, कौन थी मित्रों ये? इस आदमी गायिका थी जिनको सर कोकिला के नाम से जाना जाता है, गायिका। बात करते हैं मित्रों इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में मित्रों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी से बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वह कौन थी? अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, गायिका, राजनेता। क्वेश्चन नंबर 4 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक कार्यकर्ता। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी शकुंतला चौधरी और इनका हाल ही में निधन हो गया मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ बढ़ते हैं मित्रों आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फरवरी 2022 में लकी मेंटेनिगियर का निधन हो गया, वह कौन थे? वास्तुकार, अभिनेता, वैज्ञानिक या फिर साहित्यकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह एक वैज्ञानिक थे मित्रों और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों, फरवरी 2022 में प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर मित्रों 6 है, वास्तुकार, अभिनेता, वैज्ञानिक या फिर साहित्यकार। क्वेश्चन नंबर 6 का मित्रों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अभिनेता। प्रवीण कुमार सोबती एक अभिनेता थे, इन्होंने महाभारत में, किसने? महाभारत में जिन्होंने भीम का रोल किया था, वही थे ये अभिनेता प्रवीण कुमार। इन्होंने महाभारत में भीम का रोल किया था और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक अभिनेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, जनवरी 2022 में प्रसिद्ध नृतक बिरजू महाराज का निधन हो गया, वह कौन थे? प्रसिद्ध नृतक बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह कौन थे? इतिहास चित्रकार, इतिहासकार, अर्थशास्त्री या फिर कथक नृतक। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक कथक नृतक थे मित्रों और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जनवरी 2022 में शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी लोग सही आंसर देंगे। शांति देवी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक कार्यकर्त्री थी मित्रों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह एक सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। इसी के साथ फिर बात करते हैं मित्रों आगे। जनवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया है? द्वारा विश्व के बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर मित्रों राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, सैटरिनो डी ला फुएंट मित्रों, ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक साथ बात करते हैं मित्रों आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, जनवरी 2022 में थीरू आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर मित्रों 10 है, जनवरी 2022 में थीरू आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक पुरातत्वविद थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्वविद। अब बात करते हैं मित्रों आगे।
वह तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग में पहले निर्देशक थे। इन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनवरी 2022 में डेविड मारिया सासोली का निधन हो गया, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं आगे। मित्रों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।